सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद जामान। अभी हमारी टीम मौजूद है बड़ा बाजार में। आप देख सकते हैं हजारों लाखों की तादाद में जो है भक्तजन है जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जो बैनर लगी हुई है अजमल इत्तेहाद मिल्लत का, वो बैनर लगा हुआ है। इसके अंतर्गत जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है भक्तजनों को। अभी हमने कई भक्तजनों से भी बात किया। हम बात करेंगे जो अजमल इत्तेहाद मिल्लत के जो पानी है उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पानी डिस्ट्रीब्यूशन का असल उद्देश्य क्या है। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ जो है वार्ड कमिश्नर है और नगर निगम के सशक्त स्थायी कमेटी के मेंबर भी है जमील अंसारी साहब। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज विजयादशमी है, इस अवसर पर जो है अजमल इत्तेहाद मिल्लत के मातहत कहिए या उसके जानिब से जो है पानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अजमल इत्तेहाद मिल्लत के तरफ से 10 सालों से ये कार्य को किया गया है। 10वीं तारीख को जो दुर्गा मैया का भसान होता है उस कौमी एकता के लिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं और तहे तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो लोग सारे मेल मिलाप के साथ पूरे भेदभाव को खत्म करते हुए सब लोग हम लोग से पानी लेते हैं और अपना मस्ती में भसान के लिए दुर्गा मैया के लिए चले जाते हैं। इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अभी और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत की तरफ से विजयदशमी का है, आखिरी दिन है, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग यहाँ अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत की तरफ से जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जो डिप्टी मेयर है उनके सदारत में हर साल लगभग 13-14 साल से हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं। और जो भी विजयदशमी में जो बुराई पे अच्छाई की जीत थी और उसी मौके से हम लोग यहाँ पे एक श्रद्धा भाव के हिसाब से जो श्रद्धालु आते हैं उनके सेवा भाव से शीतल जल का पानी, शीतल जल का जो है इसका आयोजन करते हैं और हर साल करते हैं और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है लोगों को और चाहते हैं कि हर साल करें और भाईचारगी बना करके रखें, सब लोग एक दूसरे से भाईचारगी बना के रखें ताकि शहर का, मुल्क का, सबका अमन शांति बना रहे। ये जो है ये मधुबनी का मस्जिद चौक है, बड़ा बाजार मस्जिद चौक है, जहाँ पे हर साल किसी भी छोटे बड़े काम में जनाब डिप्टी मेयर साहब जो है वो हर साल मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ के मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान से और जानते हैं कि आखिर विजयदशमी के मौके से अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले जो प्रोग्राम करके जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसका असल उद्देश्य क्या है? सर स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत हिंदुस्तानी मीडिया को धन्यवाद। आज दुर्गा पूजा का भसान है और इस भसान को विजयदशमी के रूप में लोग मनाते हैं और हमारे यहाँ से भगवती स्थान और गिलेशन बाजार की दुर्गा की चाल गुजरती है। पिछले 10-11 सालों से अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत हर साल की तरह इस साल भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो इस जुलूस में, इस विजय जुलूस में शामिल है, उन सबको ठंडा शीतल जल, पीय जल का इंतजाम करती आ रही है। और विजयदशमी का जो पैगाम है, विजयदशमी का जो पैगाम है वो साफ ये है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक बुराई पर अच्छाई की जीत और सच्चाई की जीत। और ये सच है कि हर मजहब में बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कृष्ण ने कंस पे काबू पाया और कंस की बुराई को खत्म किया, श्री रामचंद्र जी ने रावण पे काबू पाया और उसके अत्याचार और उसके बुराई को खात्मा किया, ठीक उसी तरह फिरौन पर मूसा अलैहिस्सलाम ने काबू पाया। तो इसी तरह से हर मजहब का अपना अपना मानना है। आज ये लोग विजयदशमी मनाते हैं और उसका मतलब साफ है कि बुराई पर अंकुश लगे और सच्चाई की जीत हो। और सच्ची राह में चलने का मतलब यह है कि हर श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन होगा
कि वो हर मानव जाति से प्यार करे, हर को साथ लेके चले, क्योंकि हमारे भारत की, क्योंकि ये भारत ऋषि मुनि साधु संतों का, वलियों का मुल्क है, यहाँ विभिन्न मजहब के लोग हैं, सबकी श्रद्धा है अपनी अपनी, वो ऐसी सूरत में हमको आपको मिलकर ऐसा पैगाम देना चाहिए जो पैगाम पूरे भारत में जाए। और भारत की तहजीब यही है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भाई है। और ये पैगाम अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत इसी बुनियाद पर देता है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन हैं जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, इससे हम मिलकर बात करेंगे कि आज का जो मूर्ति विसर्जन है ये कैसा रहा, और अभी जहां आप खड़े हैं यहां अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत की ओर से पानी बांटा जा रहा है, इस पर क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार बिक्की। बिक्की जी, अब पानी बांटा जा रहा है यहाँ पे अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत की तरफ से, व्यवस्थापक जो है ये आपके अमानुल्लाह खान है, जो डिप्टी मेयर है, कैसा लग रहा? हमारे उप मेयर जो है अमानुल्लाह खान जी, वो भाईचारा के प्रतीक है, वो कभी भी हम लोगों में भेदभाव नहीं है, हम लोग मधुबनी जिला के निवासी हैं, हम लोग भाईचारा से इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। आई जी हमारे इस बार नए उप मेयर में चुन के आए हैं, पूरे मधुबनी वासियों का उनके प्रति बहुत अच्छा संवेदना है और उनसे प्यार और स्नेह है, उन्हीं के प्यार के वजह से हम लोगों को दुर्गा पूजा के विसर्जन में बहुत अच्छा स्वागत और समारोह में हम लोग को अभिनंदन किया गया, उनके लिए मैं धन्यवाद दिल से कह रहा हूँ। धन्यवाद अजल्ला जी, कैसा लग रहा है आज मूर्ति विसर्जन है? मधुबनी जो है हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा परिचय, यहाँ किसी भी पर्व में हर्षोल्लास के साथ सारी समुदाय के लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए पूजा करते हैं। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद। कैसा लग रहा है राजेंद्र जी? बहुत अच्छा लग रहा है, भाईचारे का मिसाल है अपने आप में। बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्लिम पानी बांट रहा है, आपके लिए वाला भक्तजन है, ये तो परमपन की बात है। यहाँ बात करते हैं, कुछ लड़कियाँ भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? आज बताइए कि विजयदशमी का आखिरी दिन है, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, लड़कियाँ भी बहुत सारी सहेलियाँ भी आपके साथ है, क्या उद्देश्य, कहाँ जा रही है? जी आज विजयदशमी है तो आज हम लोग काली मंदिर जा रहे हैं, आज दुर्गा जी का विसर्जन है, 9 दिन के बाद माता रानी, आज उनका प्रसाद होता है, तो यही है कि माता रानी का बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। आप पढ़ती है ना? विजयदशमी का असल उद्देश्य क्या है? जी विजयदशमी का असल उद्देश्य यही रहेगा कि मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत मिलती है, बुराई पे अच्छाई की जीत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। प्रीति, ये विजयदशमी का असल उद्देश्य क्या है? आपका जो है मतलब हम लोग मिलकर पूजा उजा करें, बुराई को हटाना है, अच्छाई को, हम सब आदमी मिलकर पूजा पाठ करें। मजा आ रहा है, यहाँ देखिए पानी बांटा जा रहा है, पानी बांटा जा रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, हम सारे रास्ते में खाने पीने की पूरी सुविधा रहती है, चाहे हम चाहे वो जूस हो, पानी हो, खीर हो, सारी आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? डॉली कुमारी। डॉली, मजा आ रहा है, विसर्जन का दिन है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, चलिए अच्छी बात, पढ़ती है आप? आप क्या नाम है आपका? अच्छे, अच्छी बात है, कहाँ जा रहे हैं विसर्जन में? जा रहे हैं, अरे वेरी गुड, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद्र राजू है और ये बड़ा बाजार व्यापारी संघ के द्वारा दुर्गा पूजा माँ दुर्गा के समर्पित हेतु ये प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया और ठंडा जल का व्यवस्था भी किया गया आम श्रद्धालुओं की सेवा के लिए समर्पित। आज विजयदशमी का आखिरी दिन है, विजयदशमी है, क्या इसका महत्व क्या है बता दें? विजयदशमी जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है, उसी के उपलक्ष्य में जो राम जी ने रावण को वध किया, इसी दिन वध करके विजय प्राप्त हुआ, उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी। ठीक है, धन्यवाद, परिचय दीजिए अपना। सूरज कुमार दुबे हुआ,
मेरा नाम सूरज कुमार दुबे हुआ। हम 2014 से ये समिति हमारी चल रही है। हमारे साथ बहुत लोग हैं। जिला समिति का नाम क्या है? देव पानी सरस्वती पूजा समिति नाम था, अभी माँ भगवती सेवा समिति इस समिति का नाम है। 2014 से हम लोग, अपना 10वां साल है। हम लोग अपने 5 लड़का मिलकर के बहुत धूमधाम से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे जैसे गार्जियन जिला जी भी आए हुए, जुन्ना भी आए हुए, अबावला भी आए हुए, मेयर साहब हुए, सब आदमी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। आज विजया दशमी का आखिरी दिन है, मूर्ति विसर्जन भी होना है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, तो कैसा रहेगा ये विसर्जन? नहीं, हम लोग के यहाँ 2014 से कोई भी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग सदा पूर्वक इसी तरह ना, हम लोग इतना बढ़िया से करते हैं जो हम में या हमारे समाज में ऐसा कुछ गिल्टी फीलिंग नहीं, बहुत अच्छा से होता है। हमारे साथ हमारे जुन्ना भैया के जुन्ना भैया भी सहयोग करते हैं, हमारा भैया भी सहयोग करते हैं, बहुत लोग सहयोग करते हैं। ये समिति आज की नहीं है, ये 2014 की समिति है। 2014 से हम लोग करते हुए आ रहे हैं और इस समिति का समाज भी देता है। हम लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक इसको मनाते हैं। ये है कि आपसी भाईचारे में, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, आपसी भाईचारी है, आपसी भाईचारा है हम लोगों। ठीक है, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, विजयादशमी का असल उद्देश्य क्या? विजयादशमी का उद्देश्य सत्य की जीत है, और इसी दिन राम भगवान घर पधारे थे, इसलिए विजयादशमी मनाया जाता है। अच्छा, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, देखा जा रहा है कई जगह स्टॉल लगा हुआ, कुछ मुस्लिम लोग भी स्टॉल लगा हुए हैं, ये क्या प्रतीक है? ये भाईचारे का प्रतीक है, सबको मिलजुल के करते हैं। कहीं पानी का लगा हुआ है, कहीं मिल्क शेक लगा हुआ, कहीं फल है, कहीं मिठाई है, सब लोग मिलजुल के पर्व मनाते हैं। धन्यवाद।